आपके दर्शन के लिए तैयार है श्रीमान। गौर बगल संत लिखा रहे गौर विसर्जन। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो हमारा इंडिया जिसमें फॉल करता है, इसमें सर मेरा मानना है कि सर्विस देने का बहुत ज़्यादा स्कोप है। और मैं तो ये मानता हूँ कि इससे ज़्यादा सर्विस कोई महकमा देता ही नहीं। एक्चुअली पुलिस कैसे काम करती है, उनका कैसे सिस्टमेटिक वर्किंग होती है, और ये पहला पार्ट था। और दूसरा पार्ट था कि लड़कियों को, वुमन को, उनके जो राइट्स हैं, जो हमने लॉ में पढ़े हैं, क्या वो सबको पता है? नहीं पता है तो हम इनको अर्ली लाइफ से छुपाते हैं कि उनसे डांट पड़ेगी। तो डांट अपने पेरेंट्स से डांट मुझे लगता है कि बुरी बात है कि बाद में आप किसी और बड़े मसले में फंस जाएं जहाँ से आप बाहर ना आ सकें। तो हमारी ये कोशिश थी कि बच्चों को अवेयर कर सकें उनके राइट्स के बारे में, जो फ्रॉड्स कर रहे हैं उनके बारे में। से कम उम्र की जितनी भी लड़कियां हैं, अगर वो कहीं क्राइम को करती हैं या किसी क्राइम में इंडल्ज हो जाती हैं, तो उनको हम पुलिस स्टेशन में नहीं रखते हैं। उनके लिए जुवेनाइल होम अलग बनाया गया है। जहां हम इंटर करते हैं उसका नाम, डेट ऑफ ऑर्डर या जो भी हमें जिस दिन मिले, जैसे जिस डेट को मिले एप्लीकेशन, उसके बाद किस से आई है वो, उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, सब्सटेंस ऑर्डर ऑफ लेटर बन, जो भी वो एप्लीकेशन दे रहा है उसके कंटेंट्स क्या है, क्या उसको किसी ने मारा है, किसी ने बदतमीजी की है, किसी ने गाली गलौज किया है, या किसी ने उसका कोई सामान चोरी किया है, नंबर उसका हम जहाँ भी लिखते हैं। जैसे जहाँ पर 1035 लग रहा है, 1034 लग रहा है, 1033 लग रहा है, इस नंबर की हम लिखते हैं सीरियल नंबर। डेट ऑफ रिपोर्ट, आज की डेट में क्या डेट है, किस डेट पर वो रिपोर्ट दे रहे हैं। सब्सटेंस ऑफ रिपोर्ट और लेटर डिस्पैच, उसके बाद हमने उसमें क्या कार्रवाई की है। जो जिसके खिलाफ पर्चा लगा उसका ये नाम है बलवीर सिंह, और इसका चलान हमने कब पेश किया, अपने लीगल राइट्स प्रोटेक्ट कर सकती हैं उसके बारे में इनको अवेयर करवाया जाए। और आज की डेट में जो इमीडिएट इमिनेंट थ्रेट है कि सोशल मीडिया, मोबाइल टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो एक्सप्लॉयटेशन होती है लड़कियों की, यंगस्टर वुमन्स की, उसको कैसे, उससे कैसे जी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो वाला पार्ट जो है वो इनको अवेयर करवाया जाए। और लॉन्ग टर्म में इनको पुलिस में भर्ती होने के लिए अट्रैक्ट भी किया जाए कि हमारे आने वाले टाइम पे, जैसे आज की डेट हम कहते हैं कि इतने अच्छे एस इन्वेस्टिगेटर्स हैं हमारे जो मेल मेंबर्स हैं, तो लड़कियाँ जो हैं पहला नंबर तो कम है पुलिस में, और दूसरा नंबर अब कम होने की वजह से सारी जगहों पे उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो सीमित है। तो आने वाले टाइम पे यही लड़कियां जो हैं पुलिस में लड़कों के साथ, मर्दों के साथ कंधा मिला के इन्वेस्टिगेशन में, लॉ एंड ऑर्डर में और बाकी चीज़ों पे भर्ती होकर ये काम कर सकें। आज से इनका जो इनहिबिशन है, जो मन के अंदर झिझक है, वो ख़त्म हो सके, और ये कैसे पुलिस में आके सोसाइटी में, देश में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, उन चीज़ों की इनको अवेयरनेस आए, ये लॉन्ग टर्म हमारे टारगेट के इश्यूज़।